हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी बीट रूट टिक्की। और आलू और चुकंदर को दोनों को मैंने एक साथ कुकर में बॉईल करके लिया है। और ये दोनों ही बॉईल हो चुके हैं। और इसको मैं इसका पील करके, इसका छिलका चुकंदर का, इसे कद्दूकस करूंगी। और ये मैंने पील कर लिया, इसे मैं कद्दूकस कर लूंगी। से साइड में रखेंगे, बाउल लेंगे और इसमें हम आलू को पील करके इसे मैश कर लेंगे। मैश की आलू में हम चुकंदर ऐड कर देंगे। इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीन गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और हम चेक कर लेंगे सब कुछ मैश करने के बाद से कि इसमें और नमक जाएगा कि नहीं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे पोहा ले 1/4 कप यूज कर रहे हैं। और इसको ग्राइंडर में मैंने पीस लिया था, बारीक कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया। और सभी चीजें डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक एक हम टिक्कीज की बनाते जाएंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके। और देखिए बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहा है पोहे की वजह से, बहुत अच्छा सा बैंडिंग हो गया है इसमें। अगर ज़रा सा भी आपको पानी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पोहा और ऐड कर सकते हैं। और इस तरह सभी टिक्की को हम बना लेंगे। बीटरूट टिक्की बनकर रेडी है। और इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इस तरह से इसे प्लेट में रख के आप फ्रीजर में रख दें और 4 से 5 घंटे में जब ये जम जाएगी तो फिर इस तरह से निकाल के आप किसी भी टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिस तरह मैं रखती हूँ। और ये देखिए मेरे पास टिक्की पहले से ही बनी हुई है। और इसे आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगी। या कुछ टिक्कियाँ मैं आपको अभी टिक्की में आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई पैन में तेल गरम किया है और तेल अच्छा गरम हो गया है। इसमें अब हम टिक्की को फ्राई कर लेंगे। और इसे डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छे से हम शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारी आसान सी सिंपल सी बीटरूट की टिक्की बनकर रेडी है। आइए इसे सर्व करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।